कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि पार्टी का पहला मकसद तेलंगाना में केसीआर और बीआरएस को हराना है, इसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। राहुल गांधी अगले सप्ताह तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बोधन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। हमारा लक्ष्य पहले केसीआर और बीआरएस को तेलंगाना में हराने का है और उसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराने का है। राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव को यह एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस ने ही उस स्कूल और विश्वविद्यालय को बनवाया था जिसमें उन्होंने पढ़ाई की थी। केसीआर जी, जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। हैदराबाद, जिससे आपने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं, हैदराबाद को दुनिया में मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। केसीआर जी, जिस प्रदेश के आप चीफ मिनिस्टर हैं, उस प्रदेश को भी कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर बनाया है। केसीआर के परिवार पर राहुल गांधी ने कहा कि उन सभी के पास पैसे कमाने वाले विभाग हैं। सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। राज्य के लिए कांग्रेस की 6 गारंटियों के बारे में उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी के तहत महिला लाभार्थियों को मासिक पेंशन, मुफ्त बस यात्रा और सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के जरिए 5,000 रुपए तक मिलने की संभावना है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। We'll be right back.